जिस प्रकार से गर्मियों के समय जब शादी का सीजन स्टार्ट हो जाता है, तब कपल्स अक्सर प्री वेडिंग बनाने के लिए अच्छी खासी जगहों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। आज के समय प्रत्येक कपल्स शादी से पहले प्री वेडिंग बनाने के लिए सबसे उत्सुक रहते हैं, और रहे भी क्यों ना, क्योंकि आज के समय टिकटॉक के द्वारा हर किसी में एक्टिंग करने की चाहत सबसे पहले रहती है। साथ ही प्री वेडिंग बनाने वाले वे प्रोफेशनल फोटोग्राफर आपकी वीडियो में चार चांद लगा देते हैं। आज के एपिसोड में हम उत्तराखंड के टॉप 5 प्लेसेस के बारे में बात करेंगे जो प्री वेडिंग के लिए खासा जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप नैनीताल मेनिया यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। प्री वेडिंग बनाने के लिए नैनीताल नाम लिस्ट में सबसे पहले आता है, क्योंकि नैनीताल में प्री वेडिंग बनाना कपल्स को सबसे ज्यादा पसंद आता है। साथ ही नैनीताल खूबसूरत परिदृश्यों के साथ साथ अपने बेहतर टूरिस्ट प्लेस के लिए जाना जाता है, जहां आप किसी भी जगह जाकर प्री वेडिंग बना सकते हैं। मुक्तेश्वर नाम इन्हीं में से एक है। नंबर 2, पहाड़ों की रानी मसूरी। मसूरी प्री वेडिंग के लिए सेकंड लिस्ट में आता है, जहां प्रकृति की वो सारी जगह हैं जहां आप अपने मन मुताबिक प्री वेडिंग बना सकते हैं। मसूरी की मालरोड प्री वेडिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साथ ही यहां से दिखने वाले ऊंचे पहाड़ प्री वेडिंग के लिए बेहद आकर्षित हैं। नंबर 3, ओली। ओली प्री वेडिंग बनाने के लिए सबसे उत्तम जगह है, क्योंकि अक्सर यहाँ गर्मियों के समय में भी बर्फ मिल जाती है। ओली जगह का नेचर और यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट सच में प्री वेडिंग के लिए बेहद खास जगह साबित हो सकते हैं। नंबर 4, चोपता। दिल्ली से आए अधिकतर लोग चोपता में प्री वेडिंग बनाने के लिए अपना नाम सबसे पहले देते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चोपता चंद्रशिला और हिमालय दर्शन के लिए जाना जाता है। ऐसे समय में प्री वेडिंग बनाते समय इन सभी पहाड़ों की कवरेज बेहद शानदार हो जाती है। नंबर 5, ऋषिकेश। ऋषिकेश प्रकृति के द्वारा दिया गया एक तोहफा है, जहां प्री वेडिंग शूट के लिए यह जगह बेहद उत्तम मानी जाती है, क्योंकि उत्तराखंड के अधिकांश धार्मिक चीजें इसी जगह के इर्द गिर्द स्थित है, जहां प्री वेडिंग में आई इन सभी जगहों के दर्शन पाकर लोग धन्य हो जाते हैं। साथ ही गंगा नदी के किनारे अक्सर लोग प्री वेडिंग बनाते समय मिल जाते हैं, क्योंकि ऋषिकेश अपने पावन नदियों के लिए सबसे पहले जाना जाता है। इसी के साथ साथ आप धनौल्टी, रामनगर और मुंशियारी समेत आधी जगहों में प्री वेडिंग बना सकते हैं, जो आपकी शादीशुदा जिंदगी से पहले बिताए हुए पलों में चार चांद लगा देते हैं। दोस्तों, संपूर्ण उत्तराखंड में प्री वेडिंग जाड़ों के समय बेहद कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि इसी समय उत्तराखंड में हैवी स्नोफॉल रहता है, जहां बर्फ में सूट हुई प्री वेडिंग आपकी प्री वेडिंग को प्रीशियस बना देती है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त संदीप, फिर से मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।